इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। कहते हैं ना, अगर हौसले बुलंद हो और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम आसानी से हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कर दिखाया है काशीपुर के गिरिताल क्षेत्र निवासी श्लोक भारद्वाज ने। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर अपने माँ बाप के साथ साथ अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। रैप सॉन्ग लिखना और उसे गाना अलग बात है, लेकिन पूरे रैप में अगर सिर्फ एक एक ही अक्षर से शुरू हुआ हो तो ज़रूर अचरज की बात है। ऐसा ही नया प्रयोग काशीपुर के रहने वाले श्लोक भारद्वाज ने कर दिखाया है। उनके लिखे रैप सॉन्ग पर अक्षर बा से शुरू होते हैं। रैप लिखने के बाद उसे फिर अपने अंदाज में गाना और भी मुश्किल काम था, लेकिन श्लोक भारद्वाज ने यह दोनों मुश्किल काम कर दिखाया और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करना कर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। श्लोक भारद्वाज ने लॉकडाउन के खाली समय में ऑनलाइन रैप कॉम्पिटिशन में प्रतिभाग किया और हर कॉम्पिटिशन में पहला स्थान प्राप्त किया। श्लोक भारद्वाज ने रैप की दुनिया में अपनी बाजीगिरी दिखाना शुरू कर दिया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। अगर उनका काम पसंद किया गया तो आने वाले समय में रैप सिंगर के रूप में उनकी पहचान बनते देर नहीं लगेगी। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। जिसमें एक अभियुक्त को गोली लग गई, तत्काल उस अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। जिला अस्पताल में जब उसका पहुँचा हो तो डॉक्टरों द्वारा उस अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया गया। दौरान तलाशी उसके कब्जे से पहचान पत्र बरामद हुआ है, जिसमें उसका नाम भालचंद्र यादव पडवनिया सतना MP का रहने के रूप में तस्दीक हुआ है। उक्त अभियुक्त जनपद चित्रकूट से जनवरी के एक मुकदमे में वांछित था भैलपुरवा थाने के और 25,000 रुपये का इनामी अपराधी था। इसके द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के साथ मारपीट की गई थी। यह गौरी यादव का रिश्तेदार। सर, किस तरह से पंचायत चुनाव शुरू, उसको में कोई दखलंदाजी को लेकर तो नहीं इसे डकैत सक्रिय हो गए? देखिए, ये सूचना प्राप्त हुई थी, हम लोग लगातार इसमें जो है कॉम्पिंग कर रहे हैं और आगे भी जो भी इस प्रकार के चुनाव को बाधित करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।